नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऊन की विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि जो ऊन की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, ये हम देख चुके हैं, और आज हम देख रहे हैं ऊन की रासायनिक विशेषताएँ क्या होती हैं। ठीक है, आपने ऊन की भौतिक विशेषताएँ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ऊन की रासायनिक विशेषताएँ वाली आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है। ठीक है, रासायनिक विशेषता हम ऊन की देख रहे हैं, ऊन के रेशे जो होते हैं अम्ल का प्रभाव इन पर अच्छा पड़ता है, प्रभाव अच्छा होता है ऊन पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं और नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 बोलते हैं, ये जो ऊन है उसके लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो जो ऊन है प्रोटीन जगत के रेशों के लिए कौन सा अम्ल अच्छा होता है, अम्लीय रेशे, अम्ल का प्रभाव इस पर अच्छा पड़ता है। ठीक है, क्षार का प्रभाव, ठीक है, क्षार का प्रभाव ऊन पर बुरा पड़ता है। ठीक है, बुरा पड़ता है ऊन पे, कभी भी क्षार का उपयोग यानी कि अल्कलाइन का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और ऊन के लिए कौन सा रंग यूज करना चाहिए, रंगों में रंग वेट रंग का उपयोग किया जाता है, वेट रंग का उपयोग ऊन के लिए अच्छा होता है। ऊन के जो रेशे हैं उनमें कौन सा वेट रंग करना चाहिए और ऊन में कौन सा ब्लीच करना चाहिए, ब्लीच ऊन में करना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड साइड का उपयोग करना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऊन में ब्लीच करना, ऊन के रेशों में ब्लीच करना चाहिए। और अगर हमें ऊन के रेशों से दाग धब्बे को हटाना है, दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, सोडियम पेराऑक्साइड एवं पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमें ऊन में क्या उपयोग करना चाहिए, सोडियम पेराऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए। और पसीने का प्रभाव ऊनी रेशों पर क्या पड़ता है, हानिकारक पड़ता है, पसीने का प्रभाव हानिकारक होता है। ठीक है, ऊनी रेशों पर जो पसीने का प्रभाव होता है वो हानिकारक होता है। तो ये तो हमने देख ली ऊन की रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषता में ऊन क्या होता है, हमें अम्ल का प्रभाव ऊन के लिए अच्छा होता है, एसिड्स का उपयोग ऊन पे करना चाहिए, क्षार का प्रभाव ऊन पर बुरा पड़ता है, अल्कलाइन का उपयोग ऊन में नहीं करना चाहिए, रंग कौन से रंग ऊन के लिए अच्छे होते हैं, वेट रंग अच्छे होते हैं, और ब्लीच कौन सा करना चाहिए ऊन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ऊन के रेशे से दाग धब्बे छुड़ाने हैं तो उसके लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए, सोडियम पेरोक्साइड एवं पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए। पसीने का जो प्रभाव होता है वो ऊन पे हानिकारक पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, कहाँ से हमको ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन प्राप्ति के साधन की अगर हम बात करें कि हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, अगर ठंडे प्रदेशों में ऊन देखें, ठीक है, ठंडे प्रदेशों के भेड़ों से प्राप्त ऊन, कैसा होता है, नरम होता है, कोमल होता है, महीन एवं लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, लंबे होते हैं। और जबकि अगर हम गर्म प्रदेशों में देखें, उष्ण प्रदेशों की भेड़ों से प्राप्त ऊन, कैसा होता है, कड़े होते हैं, रूक्ष खुरदुरे यानी कि निम्न कोटि का, उष्ण प्रदेशों में जो भेड़ पाए जाते हैं उनसे जो ऊन हो रहा है वो क्या होता है, निम्न श्रेणी का होता है, खुरदुरे तार के समान चमकीले होते हैं,
चमकीले होते हैं। तो एक चीज़ तो हम इससे समझ चुके हैं, जो ठंडे प्रदेशों के जानवर होंगे उनसे जो हमें ऊन प्राप्त होगा, ठंडे प्रदेशों के जानवरों से जो भेड़ों से हमको ऊन प्राप्त होगा वो कैसा होगा, नरम होगा, कोमल होगा, महीन एवं लंबे रेशे होंगे, ठीक है। और जो उष्ण प्रदेश यानी कि गर्म प्रदेशों के जानवरों या भेड़ों से जो हमको ऊन प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो ऊन कड़े होते हैं, रूक्ष होते हैं, खुरदुरे होते हैं और तार के समान चमकीले होते हैं, ठीक है। तार के समान ये चमकीला होता है। ये चीज़ हम जान चुके हैं कि गर्म प्रदेश और ठंड प्रदेशों के जानवरों के ऊन शरीर से हमको कैसा ऊन प्राप्त हो रहा है। अब कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं। जो विक्यूना है, विक्यूना क्या है, एक दुर्लभ ऊंट है, ठीक है, ऊंट जाति का जानवर है विक्यूना। इसका विक्यूना क्या क्या है, जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनाया जाता है, ठीक है। विक्यूना जो जानवर है ये क्या है, एक दुर्लभ ऊंट जाति का जानवर है जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट, मिंक कोट बनता है, ठीक है, मिंक कोट बनता है। तो विक्यूना क्या है, विक्यूना एक दुर्लभ ऊंट की जाति है, ठीक है। एक विक्यूना एक ऊंट है जिसके शरीर से जो हमको बाल प्राप्त होते हैं उन बालों से जो विश्व का सबसे, वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध कोट बनता है और उस कोट का क्या नाम है, मिक कोट, ठीक है, मिक कोट उसको बोला जाता है। अब हम कुछ और जानवर देख लेते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। यह हमारे एग्जाम से पूछा जाता है कि मिंक कोट किस जाति के भेड़ से बनते हैं, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ऊंट की जाति है विक्यूना, विक्यूना से हम मिंक कोट बनाते हैं। और जो अंगोरा है, अंगोरा बकरी, इसके बारे में हम जानते हैं। अंगोरा बकरी से जो हमें ऊन प्राप्त होता है, इसके बालों से जो हमें ऊन प्राप्त होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंगोरा ऊन बोलते हैं, ठीक है, अंगोरा ऊन बोलते हैं। अंगोरा क्योंकि ये अंगोरा जाति की बकरी से हमको प्राप्त हो रहा है तो इसको हम अंगोरा ऊन बोलते हैं। और जो अंगोरा बकरी के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बाल सूक्ष्म होते हैं, कोमल होते हैं, लंबे, चमकदार और कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, यानी कि फिसलन युक्त स्लिपरी होते हैं। और ये बकरी कहाँ पे पाई जाती है, टर्की में पाई जाती है, ठीक है, टर्की में पाई जाती है, टर्की में इससे ऊन यहीं से प्राप्त किया जाता है। लेकिन अभी सभी जगह इसको, इस बकरी को पाला जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफ्रीका में, यहाँ पे। लेकिन जो सबसे पहले ऊनी रेशे हमने अंगोरा बकरी से प्राप्त किए वो कहाँ से किए, टर्की से किए। और इसी के अंगोरा बकरी के ऊन से जो ऊन प्राप्त होता है उसको हम अंगोरा ऊन बोलते हैं। और इसके जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और जानवर देख लेंगे जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। अन्य जो जानवर है वो है कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी से जो ऊन प्राप्त होता है ये क्या होता है, उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। और उत्कृष्ट श्रेणी का क्यों होता है, हमने देखा है कि जो ठंडे प्रदेशों में जो भेड़ रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनके शरीर से जो हमें ऊन प्राप्त होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, सूक्ष्म, कोमल और क्या होता है, वो बारीक होता है। इसीलिए जो कश्मीरी बकरी है इससे जो ऊन हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है, उत्कृष्ट श्रेणी का, यानी कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का ऊन इससे हमें प्राप्त होता है। और जो कश्मीरी बकरी होती है इसके शरीर से जो हमको बाल प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
पहला जो ऊपरी परत है, जो बकरी का ऊपरी परत है यानी कि जो पीठ वाला हिस्सा है, उससे हमको कैसा ऊन प्राप्त होता है, उससे हमको कड़े, रूक्ष और खुरदुरे खुरदुरे बाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, बाल प्राप्त होते हैं ऊपरी परत से जो ऊन प्राप्त होगा। और जो बकरी की जो निचले परत के ऊन होगी, निचली परत से जो ऊन हमको प्राप्त हो रहा है वो कैसा होगा, सूक्ष्म होगा, यानी कि जो पेट वाला हिस्सा होता है बकरी का, जो पेट वाले हिस्से से हमको जो बाल प्राप्त होते हैं वो सूक्ष्म, कोमल और चिकने प्राप्त होते हैं, चिकने बाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, बाल प्राप्त होते हैं। कश्मीरी बकरी से उत्कृष्ट श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है। इसमें भी दो प्रकार का ऊन हमें मिलता है। पहला जो है वो है ऊपरी तरफ से, यानी कि उसके गर्दन से लेके उसके पीठ की साइड के जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, कड़े, रूक्ष, खुरदुरे बाल प्राप्त होंगे। लेकिन जो निचले साइड से जो पेट वाला हिस्सा होगा उससे हमें सूक्ष्म, कोमल और चिकने बाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर अगला जो जानवर है जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है वो है लामा। ठीक है, और जो कश्मीरी बकरी है ये कहाँ पे पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो लामा है, लामा क्या है, ये भी ऊंट जाति का पशु है। ठीक है, ऊंट जाति का पशु है लामा। और जो लामा के बाल है इसमें क्या होता है, रेशम के समान चमक पाई जाती है। ठीक है, रेशम के समान चमक पाई जाती है। और इससे भी हमें दो उसमें प्रतुमा ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, जो ऊपरी परत से जो लामा है इससे भी दो प्रतुमा हमें ऊन प्राप्त होता है। ये वैसे सभी जानवर में दो प्रकार का ऊन प्राप्त होगा। जो पीठ वाले हिस्से का ऊन होगा वो गंदा होगा, वो धूप में बरसात में खराब हो रहा है ऊपर में पीठ वाली में, तो वो कैसा होगा, कड़ा, खुरदुरा और रूक्ष होगा। और जो निचली पेट वाले साइड का बाल होगा वो कैसा होगा, सूक्ष्म, कोमल और चिकना होगा। ठीक है, लामा में भी हमें दो प्रतु वाला ऊन मिलता है। और लामा कहाँ पाया जाता है, लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में लामा पाया जाता है। अब हम जो दूसरा जानवर है वो क्या है, अंगोरा खरगोश। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखी थी, अंगोरा बकरी देखी थी, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अंगोरा खरगोश देख रहे हैं। अंगोरा बकरी जो थी वो टर्की में पाई जा रही थी, लेकिन जो अंगोरा खरगोश है ये कहाँ पे जो पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है। ठीक है, इसके बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। तो अंगोरा खरगोश से जो ऊन प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये फ्रांस में पाया जाता है। और ये जो खरगोश होता है ये क्या होता है, घरेलू किस्म का खरगोश होता है। ठीक है, घर में इसको पाला जाता है, किस्म का खरगोश होता है और घर में पाला जाता है, तो वहीं से इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। और इसके बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, कोमल बाल होते हैं। खरगोश से जो हमें बाल प्राप्त हो रहे हैं वो कोमल होंगे, बारीक होंगे, मुलायम होते हैं। इसमें काफ़ी गुण पाए जाते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और जो इसके रेशे हैं वो कैसे होंगे, उत्तम श्रेणी के रेशे हमको प्राप्त होते हैं। अगर जब इन रेशों में इतना गुण पाया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इससे लिए बच्चों के वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, बच्चों के वस्त्र जो होते हैं, जो बच्चों के ऊनी गर्म वस्त्र बनते हैं वो किसके बनते हैं, अंगोरा खरगोश के बालों से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो गुण है, इसके रेशों में जो खरगोश के बालों में जो गुण है, सफ़ेद कलर के हैं, कोमल होते हैं, बारीक होते हैं, मुलायम होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उत्तम श्रेणी के बाल हमको प्राप्त होते हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं, इससे बच्चों के वस्त्र बना देते हैं। अब इसके बाद जो अगला जानवर है जिससे हमें ऊन प्राप्त हो रहा है वो है अल्पाका। ठीक है, अल्पाका कहाँ पे पाया जाता है, अल्पाका ये पेरू प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, पेरू प्रदेश में पाया जाता है। और इस लामा जो अल्पाका है, अल्पाका के जो वो होते हैं, अल्पाका एक जानवर है बेसिकली जो पेरू प्रदेश में पाया जाता है, इससे जो हमें बाल प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं, 10 से 12 इंच होते हैं।
ठीक है, हमने देखा था कि जो ऊन के रेशे होते हैं वो 1 से 4 इंच होते हैं, कहीं कहीं पे हम 7 से 8 इंच भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अल्पाका है उस जानवर के जो रेशे हैं उनकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 10 से 12 इंच होती है। और अल्पाका के बालों से क्या बनाया जाता है? अल्पाका के बालों से रोएदार वस्त्र एवं कोट बनाए जाते हैं। ठीक है, कोट बनाए जाते हैं अल्पाका के बालों से। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला जानवर है जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है वो है ऊँट। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कुछ ऊँट की जातियाँ पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं ऊँट। और जो ये ऊँट है ये कौन से हैं? 2 कुंभ वाले। ठीक है, कुंभ क्या होता है हमें पता है, जो ऊँट के पीठ में होता है। और जो ये ऊँट है ये कौन सा है? 2 कुंभ वाले ऊँट होते हैं, या फिर हम ये